आज जब आप वहां मंदिर के प्रांगण में मौजूद थे, आपको लगा आपके पूर्वजों ने कुछ बहुत बड़े पुण्य करे होंगे, आपको वहां जाने का सौभाग्य मिला? पूर्वजों ने पुण्य नहीं किए थे, पूर्वजों ने आज आशीर्वाद दिया था। पूर्वजों का आज मेरे आशीर्वाद था कि मैं यहां आऊं और इस प्राण प्रतिष्ठान के समारोह में महासभा, देखिए सैलाब है यहां पर लोगों का, भावनाओं का सैलाब है, राम जी की भावनाओं का सैलाब है। मेरा एक निवेदन है, आप लोग पीछे हो जाएं क्योंकि माताएं बहनों को कुछ तकलीफ हो रही है। मेरा निवेदन है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में हैं तो मर्यादित होके बैठे, बैठ जाएं प्लीज, मेरा निवेदन है। खेर साहब, अब बात करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि आज भावनाओं का सैलाब है, लोग राम धुन को सुनना चाहते हैं, लेकिन एक चीज आज जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो मुझे कश्मीरी पंडितों की बहुत याद आ रही है। कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ वो भी 19 जनवरी को ही हुआ था, आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, हमने कश्मीर फाइल्स में वो दिखाया, वरना कश्मीर फाइल्स जब तक नहीं बनी थी तब तक लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा हुआ है। लेकिन अब राम जी वापस आ गए तो हमें लगता है कि हमें भी अपने घर जाने का वापस मौका मिलेगा। बहुत सुंदर बात, आप बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। जी जी, और ये एक जी ये एक भावना ऐसी है जी, ये एक पीड़ा ऐसी है जी, जिसको अभी आज मरहम मिला है, एक उम्मीद मिली है, एक भरोसा मिला है। मगर मैं आज अमित जी बहुत मुश्किल है आपसे किसी और चीज के बारे में बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, आज राम के बारे में बात, आज राम के बारे में, आज राम के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन राम भारत की आत्मा है और आज शायद ये देश महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज दो तीन चीजें थी, अगर आप उस भाषण का अपने शब्दों में विश्लेषण करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे भाषण का विश्लेषण होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाषण नहीं था, ये एक संवाद था देश के जनता से जी, ये राम की वैल्यूज का संवाद था। आज प्रधानमंत्री मोदी को देखकर क्या लगा? देखिए, मैं उनको आज पिछले 11 दिन से देख रहा हूँ जी। उन्होंने इस पूरे आयोजन को, इस पूरे समारोह को जी एक आत्मीयता का रूप दिया है, ऐसा लगता है कि बहुत एक आत्मिक तरीके से एक डिग्निटी दी है जी। वरना देखिए, हर्षोल्लास का तो मौका है ही, राम जी वापस आए हैं, मगर जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन पिछले 11 दिनों में जिया है या जी, जीते चले आए हैं बहुत सालों से, मगर पिछले 11 दिनों में, और उन सब जगह गए जहाँ जहाँ राम गए, जहाँ प्रभु राम गए थे उन जी, सब जगह गए जी, और 11 दिन का अनुष्ठान व्रत किया और कठिन तप किया, आज उसके बारे में जानकारी मिली और तब भी आपकी आंखों में आंसू थे। आंसू सिर्फ ट्रेजेडी की वजह से नहीं आते हैं जी, आदमी जब भाव विभोर हो जाता है, खुशी होती है, जब खुशी होती है तो उसके भी आंसू आते हैं। आज मन कितना खुश है, इसको कैसे, आज मन बहुत हल्का है, हल्का है मन, बहुत हल्का है, इसको कैसे शब्दों में लेकर आएंगे? जब मन बहुत हल्का हो और जब मन ऐसा हो तो शब्द मिलते ही नहीं है, आज सिर्फ मुंह की रहने वाला है।